रेवाड़ी जिले के गांव रतनथल में बीती शाम निकाली जा रही एक निकासी के दौरान राजपूत समाज के कुछ लोगों ने घोड़ी पर बैठे दूल्हे को धक्का मारकर गिराने व मारपीट करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रविवार को गांव में इस मामले को लेकर पंचायत बुलाई गई, लेकिन पंचायत में कोई सुलह नहीं हो पाई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने कोसली थाने में शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि रतनथल में दलित समाज के बलबीर के पुत्र विनोद की बीती शाम धूमधाम से घोड़ी पर निकासी निकाली जा रही थी। वहीं दूल्हे पक्ष का आरोप है कि जब वह राजपूतों के घर के सामने से पहुंचा तो बाइक पर सवार होकर आए राजपूतों के कुछ युवकों ने उसे जाति सूचक गाली देते हुए घोड़ी से नीचे गिरा दिया और मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव में आए उसके भाई प्रकाश, बहन प्रमीला, बुआ ओमवती व मामी पिंकी को भी पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने घोड़ी वाले को भी धमकी देते हुए वहां से भगा दिया। मारपीट के बाद उन्होंने उसके गले से नोटों की माला, सोने की चेन तोड़ ली और उसके भाइयों से रुपए से भरा बैग छीन लिया। उन्होंने धमकी दी कि उनके घर के आगे से निकासी नहीं निकाली जाएगी। घटना की सूचना पाकर कोसली एसएचओ मनोज कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में दूसरी घोड़ी बुलाकर निकासी निकाली गई और बारात को समझा बुझा कर लाधुवास के लिए रवाना किया गया। वहीं इस मामले को लेकर रविवार को गांव में पंचायत बुलाई गई और दोनों पक्षों की समस्या सुनी गई, लेकिन पंचायत में कोई सुलह नहीं हो पाई, जिसके कारण पीड़ित दूल्हा अपने परिजनों के साथ कोसली थाने पहुंचा और दो नामजद सहित 8 से 10 के खिलाफ शिकायत दी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इससे पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, जिससे डर कर उन्होंने बाइक, ट्रैक्टर आदि पर निकासी निकालनी शुरू कर दी। वहीं पहले ऐसे मामलों को पंचायत में सुलझा लिया जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने बदतमीजी की हद पार कर दी। वे यह अन्याय किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। दूल्हे विनोद ने पुलिस से मांग की कि दोषियों को पकड़ा जाए और छीना हुआ रुपया व सोने की चेन वापस दिलाई जाए। इस संदर्भ में कोसली थाना के एसएचओ मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में निकासी निकलवा मामले को शांत करा दिया था और बारात को रवाना कर दिया गया था, लेकिन रविवार को पीड़ित पक्ष ने शिकायत दी है और शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। 50 साल हो गया, यही घटना हो रही है। जो आप लोग कर ऐसे नहीं यार, गलत काम कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये जो ऐसी घटनाएं कर, ये घटना कर रहे थे? जो बड़ा राजपूत लोग थे ये नू करता है। आप क्यों तो धाप के खाओ सो और क्यों नौकरी लाभ हो सो, ये मारे तड़ डूरा हो मारे घोड़ी पे क्यों बैठे ये बात? ये राजपूत थे, ये राजपूत से ये नू कैसे मारी दे खुदे क्यों करो? काल की घटना हुई थी, पूरा गांव में फिर आया रूरा आने के यह घटना हुई। अब ये घोड़ी पे क्यों चढ़ा दिया? अब यह बैठरा बैठ गया, ये नू हुई थे मारे तो घोड़ी पे बैठे थे जब काफी दिन होते नू ही चल रहा है। अच्छा, हाँ देखा तो ये 3-4 पहले लोग बागिए ट्रैक्टर पे बैठा लेता, साइकिल पे काट ले था, मोटरसाइकिल पे बैठा ले था। और ये भी अब जो एक बालक बैठा थे ना, जब इनका जड़त हो रही क्या कहते हैं ये इन कैसे घोड़ी पे क्यों बैठे हो? ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।